आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो एयरटेल डिजिटल टीवी के ग्राहकों के लिए बहुत जरूरी रहने वाली है, क्योंकि काफी सालों से जो एयरटेल डिजिटल टीवी के उपभोक्ता है उनको जो है लोगों काफी डिस्टर्ब करता था। जो भी वे किसी टीवी चैनल को ट्यून करते थे, इवन स्पोर्ट्स चैनल्स की खासकर बात करें, न्यूज चैनल्स की बात करें, तो जो एयरटेल का बड़ा ह्यूज लोगो था, बड़ा लोगो था, वो काफी परेशान कर रहा था। और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो भी हमारे टिकर्स चलते हैं, नीचे न्यूज चैनल की बात कर लीजिए या फिर स्पोर्ट्स में कोई भी हमारा जो है स्कोरिंग आ रही होती है, तो उसमें बहुत हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलती थी। ये हमारे लिए जो क्लियरली विजिबल नहीं था, जिसकी वजह से एयरटेल कस्टमर्स को काफी परेशानी होती थी। लेकिन फाइनली दोस्तों उसका सोल्यूशन निकालने के लिए एयरटेल कंपनी ने जो है काफी सालों के बाद बड़ा बदलाव किया है, और कहीं ना कहीं जो है उन्होंने अपना लोगो जो है वो बदलने की पहल की है। अब जो लोगो है दोस्तों वो काफी चेंज हो चुका है, यानी कि उसका जो पूरा बॉर्डर था वो रिमूव हो चुका है, और जो सिंगल एयरटेल का नाम है वही रह चुका है, और कलर भी जो है वो चेंज हो चुका है। पहले व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन हुआ करता था, लेकिन अब जो है टोटली रेड कर दिया गया है, और जो बॉक्स था आउटर का वो रिमूव हो चुका है, जैसे कि आप सामने स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। दोस्तों मुझे इस प्रकार का जो बदलाव है वो एयरटेल डिजिटल टीवी ने धीरे धीरे सभी चैनल्स पर शुरू कर दिया है, और इसका फायदा दोस्तों यही मिलेगा कि अब जो है जो डिस्टर्बेंस आया करती थी प्रोग्राम देखते वक्त, न्यूज पढ़ते वक्त या फिर स्कोरिंग जानते वक्त, वो हमारे सॉल्व कहीं ना कहीं होने वाली है। ये जो चेंजेस आपके लिए की जा रही है या वो कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये जो चेंजेस है दोस्तों वह कुछ दिनों पहले ही शुरू हुई है, 2 से 4 दिन मुझे लगता है कि लग जाएंगे सभी चैनल्स पर इसको इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि 500 से भी ज्यादा टीवी चैनल्स और सभी पर लोगों को बदलना एक साथ थोड़ा सा मुश्किल है। तो ऐसे में धीरे धीरे जो है टेस्टिंग करने के साथ ही लोगों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो है लोगों का थोड़ा सा व्हाइट कलर में होता, थोड़ा और ट्रांसपेरेंट अच्छा लगता, लेकिन जो रेड कलर में लॉन्च किया गया, चलो कोई बात नहीं। आपका क्या कहना है इसके बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों ये जो कुछ बदलाव एयरटेल डिजिटल टीवी के उपभोक्ताओं के लिए किया गया है या वो कैसा लगा, नीचे जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आगे भी इसी तरह आते रहेंगे। नमस्कार।